दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं इस मशीन को फरसान मशीन कहते हैं, फरसान नमकीन मशीन। इस मशीन से आज हम आपको तीन प्रकार के अलग अलग नमकीन बनाकर बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। ये जो मशीन है इससे हमारी नमकीन कैसे बनती हैं, किस तरीके से इसको यूज़ कर रहा है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको पूरी जानकारी समझ आएगी। हमने यहाँ पर गांठी सेव जो जाड़ी स्टार गांठी होती है उसके लिए यहाँ पर डो लगाया है और इसको कैसे परफेक्ट लगाना है, इसके लिए अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा राइडर पटेल, और हलवाई चैनल पर आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस मशीन से हम गांठी बनाने का तरीका आपको बताते हैं। इस एक ही मशीन से आप 10 प्रकार के अलग अलग नमकीन बना सकते हैं, तो आप इस चीज़ को देखिए। अभी यहाँ पर जो है हम गांठी बनाएंगे, तो गांठी बनाने के लिए हमने ये वाली प्लेट यूज़ में ली है, ये देखिए, ये साइज़ की प्लेट, इसका नंबर है 2 नंबर, इसको स्टार गांठिया कहते हैं और भावनगरी इसको मोटी गांठी भी कहते हैं। इसके लिए हमने डो यहाँ पर लगा दिया है, एकदम सॉफ्ट डो नहीं लगाया है, थोड़ा सा हमने टाइट रखा है। तो अगर हाथ जारे से बनाते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट रखना पड़ता है, और मशीन से बनाएंगे तो थोड़ा सा डो टाइट रखना है। तो अभी हम शुरू करते हैं, इस प्लेट को हम इसके अंदर जो है फिट कर देते हैं। हाँ कर दो। तो इस तरीके से आपको मशीन को थोड़ा सा तेल के अंदर डुबो के रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गांठी हमारी बन रही है मशीन में, जैसे जैसे हम आटा डो डालते जाएंगे वैसे वैसे गांठी लंबी लंबी बनती जाएगी। गांठी बन गई है, देख सकते हैं अभी इसको हम जो है जारे से थोड़ा दबाकर पलटकर हल्का सा पकाएंगे, फिर ले लेंगे तेल से बाहर। एकदम बढ़िया स्पेशल क्वालिटी की हमारी गांठी बनकर तैयार हुई है। इसे बनाने का वैसे तरीका बहुत आसान है, लेकिन मशीन से बनाने के लिए आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम बता रहे हैं वो देखिए, उसके बाद ही आप ट्राई करें। तो यहाँ पर दोस्तों गांठी हमने बनाकर तैयार कर दी है, ये स्टार गांठी है। अब हम इसी तरीके से आपको इसी मशीन से और 2 अलग अलग नमकीन बनाकर बताते हैं कि इस मशीन से आप और क्या क्या बना सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये है 2 नंबर प्लेट वाली जाली है, और इससे हम बनाएंगे पीली सेव, बेसन की जो पीली सेव होती है वो। तो सबसे पहले हमें मशीन के अंदर प्लेट को लगा दिया है, और डो हमें जो है लगाकर उसी तरीके से बनाना होता है जिस तरीके से हमने गांठी बनाई है। बस आपको पीली सेव बनाने के लिए जो तेल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है, और इस तरीके से अब जो तरीका हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको गांठी बनानी है, उसी तरीके से आपको पीली सेव बनानी है, और उसी तरीके से हम आपको जो भी नमकीन बनाते हैं इस मशीन का उपयोग करके आप ढेर सारी अलग अलग नमकीनों को बना सकते हैं। इस मशीन से आप एक दिन के अंदर लगभग 700 से 800 किलो माल तैयार कर सकते हैं, इस मशीन की कैपेसिटी है। इस मशीन से बनने वाली सभी नमकीन बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही क्वालिटी वाली नमकीन बनती हैं, जो अगर हम पैकिंग करके सेल करते हैं तो इसकी अच्छी खासी डिमांड आती है, बहुत से लोग आपकी नमकीन को लेंगे, क्योंकि मशीन से बनने वाली बहुत सी नमकीनें अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार होती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ढेर सारी नमकीन बनाई है, जिसमें एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी नमकीन बनी है। इस मशीन के साथ आपको 10 अलग अलग डिस्क मिलती हैं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग जो नमकीनें हैं, मैं आपको साइड में फ़ोटो दे रहा हूं, इस फ़ोटो के माध्यम से आप समझिए कि इसमें कौन कौन सी नमकीन आप बना सकते हैं। तो इसी तरह हमने ये जो है पूरी पीली सेव जो बेसन सेव होती हैं 2 नंबर, वो बनाकर तैयार की हैं। हमने यहाँ पर ढेर सारी नमकीन बनाई है, 20 मिनट के अंदर हमने 10 किलो बेसन की नमकीन बनाई है। अब हम इस मशीन से आपको पापड़ी बनाने का तरीका बताएंगे। तो ये है पापड़ी के लिए हमने डो लगाकर तैयार कर दिया है, और इस तरीके से आपको लोइयाँ बना बना के रखनी है, बड़ी बड़ी बॉल्स, ताकि मशीन जब स्टार्ट हो जाती हैं तो फटाफट हमारा काम शुरुआत हो जाता है, हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मशीन के अंदर आपको शुरुआत में अच्छी तरीके से 3 से 4 डोई लगा देनी है, बेसन भर देना है अच्छे अंदर, क्योंकि जब मशीन चलती है तो इसके अंदर कंटिन्यू हमें बेसन डालना पड़ता है। मशीन अगर खाली चलेगी
तो इसके अंदर आपकी जो है पापड़ी हो या गाँटी हो मशीन भरी हुई रहेगी तो अच्छी लंबी लंबी आकार में बनेगी। और अगर आप उसमें टाइम पे डो नहीं डालेंगे तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बनेगी। तो मशीन स्टार्ट कर दिए हैं अभी और आप देख सकते हैं पापड़ी हमारी बनना शुरू हो चुकी है और पापड़ी आप देखना बहुत ही लंबी लंबी बनेगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो जैसे ही डो कम लगता है तो इसके अंदर हमें जो है डो भरते जाना है इस तरीके से, और हल्का सा हाथ से डो को अंदर दबाना है ताकि वो अच्छी तरीके से अंदर जाके दबाव के साथ हमारी पापड़ी बन सके। तो काफ़ी आसान तरीका है मशीन से नमकीन बनाने का, और एक ही मशीन लगाकर आप ढेर सारी अलग अलग नमकीनों को कुछ ही समय में लगभग एक घंटे के अंदर आप ढेर सारा माल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पापड़ी, गांठी और बेसन सेव बनाने का पूरा तरीका बताया है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ढेर सारी वीडियोस, ऐसी ढेर सारे अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आपको पूरी जानकारी लेकर ही आगे काम करना है। ये मशीन कहाँ से ख़रीदनी है, मशीन के अंदर मिलने वाली जालियाँ कहाँ से ख़रीदनी है, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मशीन की कंपनी का जो है डिटेल्स दिया गया है, वहाँ से आप मशीनरी ख़रीद सकते हैं। और डिस्क कहाँ से ख़रीदनी है वो भी आप ख़रीद सकते हैं, उसका भी आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दिया है। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि मशीन से बनने वाली आइटम को बनाने में और जारे से बनने वाली आइटम में बनाने में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको मशीन से बनने वाली आइटम का डो कैसे लगाना है उसके लिए आपको हमारे मेन चैनल राइडर पटेल पे विजिट करना होगा, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों, ऐसी और नई वीडियोस को लेकर हम फिर मिलेंगे आपके सामने।